फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आया हूं और वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किसी भी स्टॉक की जो वॉलेटिलिटी होती है, जो वॉलेटिलिटी मैं एक साधारण भाषा में समझा दूं कि कोई भी स्टॉक अगर ज़्यादा अप डाउन करता है उसको वॉलेटिलिटी कहते हैं। कि मतलब कोई शेयर अभी 100 रुपये का चल रहा है, फिर अभी आप एक हफ्ते बाद देखेंगे तो वो 150 का हो जाएगा, फिर एक हफ्ते बाद देखेंगे तो वो फिर 50 रुपये का हो जाएगा। तो और कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो अगर 110 रुपये पे हैं तो कभी देखेंगे वो 120 पे हो जाएंगे, फिर कभी वो 100 पे हो जाएंगे या 105 पे, 115 पे। ये लो वॉलेटिलिटी वाले स्टॉक होते हैं। और जो हाई वॉलेटिलिटी वाले स्टॉक होते हैं वो 100 से सीधा 150 चले जाएंगे या 100 से सीधा 50 चले जाएंगे। ठीक है, तो मैं कुछ उदाहरण दूंगा आप लोग को कि ऐसे कौन से स्टॉक हैं जो हाई वॉलेटिलिटी वाले हैं और कौन से ऐसे स्टॉक हैं जो लो वॉलेटिलिटी वाले स्टॉक हैं, और हमें किस प्रकार के वॉलेटिलिटी वाले स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए। सबसे पहले आपको जान लेना चाहिए कि आप किस प्रकार के ट्रेडर हैं। आप स्विंग ट्रेडर हैं या शॉर्ट टर्म के लिए जो आपके चार से छः महीने की आपकी डिलीवरी होती है, या 1 से 2 हफ्ते की आपकी डिलीवरी होती है, या आप लॉन्ग टाइम के ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं। ठीक है, तो अगर मैं आप लोग को साधारण भाषा में बता दूँ एक छोटा सा, तो अगर आप मान लीजिए स्विंग ट्रेड करते हैं, ठीक है, जैसे कि आपके 1 हफ्ते या 2 हफ्ते की डिलीवरी आपकी होती है, तो आप क्या करिए कि जो आपके स्टॉक की वॉलेटिलिटी होती है वो 50% से कम हो, 50-60% से। ये सेफ लोगों के लिए है, जो बिल्कुल सेफ रहना चाहते हैं और डरते नहीं हैं ज़्यादा मार्केट से, या बड़ा लॉस हो जाए तो वो देख कर डरे ना। ठीक है, वो लोग 50% की जो वॉलेटिलिटी होती है किसी स्टॉक की, उससे कम वाले में ट्रेड करें। और जो थोड़ा सा पेशेंस रखना जानते हैं कि जैसे मान लीजिए उनका स्टॉक 5 से 10% भी गिर जाता है तो वो पेशेंस रख कर बैठ सकते हैं, तो वो 50% के ऊपर वाले वॉलेटिलिटी वाले स्टॉक में काम कर सकते हैं। तो अब बात ये आती है कि हम किसी भी स्टॉक की वॉलेटिलिटी को कैसे जानें कि इस स्टॉक की वॉलेटिलिटी कितनी है। ठीक है, अगर ये बात आपको मालूम पड़ जाए तो काम बन जाए थोड़ा सा, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि हम कैसे ट्रेडर हैं। आपको खुद को फाइंड करना पड़ेगा कि आप किस प्रकार के ट्रेडर हैं। जैसे मैं स्विंग ट्रेडर हूं, तो मैं स्विंग ट्रेड करता हूं, 1 से 2 हफ्ते की मैक्सिमम हमारी डिलीवरी होती है, तो मैं उन्हीं स्टॉक में काम करता हूं जिनकी वॉलेटिलिटी 50% से कम हो। ठीक है, ताकि उनमें ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा मूवमेंट ना हो, ताकि हम लोग पेशेंट से बैठे रहें, कोई टेंशन में नहीं रहें और आराम से उसको वॉच करते रहें, और जब भी हमारा प्रॉफिट आए 2-4% का, 5% का, तो हम अपना प्रॉफिट बुक करते रहें। तो चलिए मैं आप लोग को दिखा दूँ निकाल के कि किसी भी स्टॉक की वॉलेटिलिटी कैसे निकालते हैं। और देखिए, यहाँ पर मैंने NSE इंडिया की वेबसाइट खोल लिया है और यहाँ पर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि किसी भी स्टॉक की वॉलेटिलिटी कैसे पहचाने। तो चलिए मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैंने एक इंडसइंड बैंक की वॉलेटिलिटी हम लोग जानते हैं। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं इंडसइंड बैंक निफ्टी 50 का बैंक है। और यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आता है सर्च बार का NSE इंडिया की वेबसाइट, जो लोग पुराने होंगे उनको तो पता है, जो लोग मार्केट में न्यू हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आप जितनी कम वॉलेटिलिटी वाले स्टॉक में काम करेंगे आपका रिस्क भी उतना कम होगा, और आपका पेशेंस बनाने की जो क्षमता होती है, जो मतलब क्या बोलना है उसको, जो लॉस करने की क्षमता होती है, वो बहुत ज़्यादा अप डाउन स्टॉक नहीं करेंगे, तो आप पेशेंस के साथ बैठे रहेंगे। ऐसा नहीं कि कभी आपका 100 रुपये का स्टॉक चला है 50-60 रुपये पे और कभी चला गया 150 रुपये पे। तो ये जो लोग न्यू लोग हैं वो लोग ये काम ना करें। पहले स्टॉक की वॉलेटिलिटी को आप पहचान लीजिए और 50% के जो नीचे हैं उन्हीं में ट्रेड करेंगे, तो आपको ज़्यादा मार्केट घुमाएगी नहीं यहाँ वहाँ, नहीं आप डर के भाग जाएंगे जल्दी मार्केट से। ठीक है, चलिए मैं इंडसइंड बैंक का दिखाता हूँ आप लोग को। यहाँ सर्च बार में मैंने याद रखिए इक्विटी का ऑप्शन आता है, इक्विटी पर हम सेलेक्ट करेंगे और इक्विटी डेरिवेटिव आता है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने NSE इंडिया की वेबसाइट खोली, फिर ये जो येलो वाला ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, तो हमें इक्विटी डेरिवेटिव पे क्लिक करना है। और यहाँ पर अब मैं टाइप करूँगा इंडसइंड बैंक। ओके, देखिए यहाँ पर हमारा आ गया है फर्स्ट नंबर पे इंडसइंड बैंक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने इंडसइंड बैंक का चार्ट खोला है, अभी स्टॉक चल रहा है 1262.55 रुपये पे। और यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आता है कॉस्ट एंड कैरी का, या नीचे अब इसको देखिए मैंने छोटा किया, जब आप इंडसइंड बैंक यहाँ टाइप करके खोलेंगे तो ये सा ऑप्शन आएगा, फिर यहाँ नीचे एक ऑप्शन आता है छोटा सा कॉस्ट ऑफ कैरी, उसके बाद नीचे उसके नीचे भी आता है ये कॉस्ट एंड कैरी हो गया हमारा। ठीक है,
अब इसको क्लिक करके हम डिलीट करेंगे। इन अदर इंफॉर्मेशन पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। अब अदर इंफॉर्मेशन पे हमें देखिए तीसरा वाला ऑप्शन देखिए, एनुअलाइज्ड वॉलेटिलिटी, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। देखिए यहाँ पर 72 दिखा रहा है, मतलब कि ये स्टॉक 72% तक एक साल में अप डाउन करता है। ये स्टॉक, इसकी वॉलेटिलिटी जो है 72% की है। तो जो थोड़ा सा पुराने ट्रेडर हैं, जैसे आपको मार्केट में 2-4 साल बीत गया है, तो आप इस प्रकार के स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपको लॉस बर्दाश्त करने की क्षमता हो गई है, आप उसको पेशेंस के साथ बैठ सकते हैं। जो लोग नए हैं वो 50% की नीचे की वॉलेटिलिटी वाले स्टॉक में ट्रेड करें, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए इसका वॉलेटिलिटी जो है 72% का है, तो ये स्टॉक 72% आप उसमें ऐड कर लीजिए, जो यहाँ पर प्राइस इसका चल रहा है। देखिए यहाँ पर 1262 रुपये चल रहा है, अब इसमें 72% ऐड करिए जो अमाउंट होता है ऊपर, और उसमें 72% उसका नीचे का प्राइस, इतने के प्राइस में ये एक साल में घूमता रहता है ये स्टॉक। और मैं आपको चलिए दूसरा स्टॉक ये दिखा देता हूँ। ये देखिए हाई वॉलेटिलिटी स्टॉक है, जो कि 72% का इसका अप डाउन रहता है हमेशा। अब चलिए एक लो वॉलेटिलिटी वाले स्टॉक को आप दिखा देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए चलिए HDFC को निकालते हैं, अच्छा स्टॉक है वो। देखिए यहाँ पर HDFC का स्टॉक मैंने खोल लिया है, देखिए 1981 रुपये चल रहा है इस स्टॉक का रेट अभी। और यहाँ पर हम अदर इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे तो इसका जो वॉलेटिलिटी होगा वहाँ देखिए 39% का दिखा रहा है। या थर्ड वाला ऑप्शन देखिए, तीसरा वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर देखिए आप लोग, 39% का दिखा रहा है हमें यहाँ पर। इसकी वॉलेटिलिटी जो है वो 39 से 40% के बीच में है। तो अगर जो भी ये स्टॉक चल रहा है, देखिए 1975 का रेट चल रहा है अभी, यहाँ पर 1981 पर क्लोजिंग हुई है इसकी। अब 1981 में आप लोग ऐड करेंगे इसका 1981 का 40% कितना होता है उसको ऐड कर दीजिए इस प्राइस में, तो उतना साइड ऊपर का और जो अमाउंट आता है सेम वही प्राइस आप उसमें इस 1981 वाले स्टॉक में रेट में माइनस कर दीजिए, तो वो स्टॉक की हाई अपर रेंज और लोअर रेंज हो जाएगी। मतलब कि वो स्टॉक इसी के बीच में एक साल में घूमता रहेगा या घूमता हुआ आ रहा है, इसका ये बैक हिस्ट्री है, ठीक है दोस्तों। तो मुझे लगता है कि मैंने दोनों स्टॉक के बारे में आपको समझा दिया और आपको समझ में भी आया गया होगा। और एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, इसको रिमाइंड कर देता हूँ फिर से कि कैसे इसको हम निकालें। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर NSE इंडिया की वेबसाइट पे हमको आना है। सबसे पहले जिस भी स्टॉक में आपको ट्रेड करना है, पहले कुछ अपने स्टॉक छांट लीजिए आप, जैसे कि आपको 10 स्टॉक या 20 स्टॉक में ट्रेडिंग करना है स्विंग ट्रेडिंग, तो पहले आप अच्छे जो भी आपको अच्छे स्टॉक लगते हैं, जरूरी नहीं कि निफ्टी 50 का ही हो या निफ्टी नेक्स्ट 50 का ही हो, वो मिड कैप का भी हो सकता है, 500 का भी हो सकता है, जो स्टॉक आपको पसंद है। आप किस प्रकार के ट्रेडर हैं, अगर आप ज़्यादा हाई वॉलेटिलिटी वाले स्टॉक को मैनेज कर पाते हैं, तो आप 50 से 100% वाले जो वॉलेटिलिटी वाले स्टॉक हैं उन स्टॉक को पहले आप छांटिए, कुछ स्टॉक को, जैसे आप मान लीजिए कि 20 स्टॉक को चलिए छांट लीजिए। आप जिस प्रकार के ट्रेडर हैं उस प्रकार, आप बिल्कुल नए हैं ट्रेडर मार्केट में, अभी नए हैं, 6 महीने 1 साल हुआ है आपको स्विंग ट्रेडिंग करते हुए और मार्केट में आए हुए, तो आप कोशिश करिए कि 50% के नीचे जिसकी वॉलेटिलिटी है उस टाइप के स्टॉक को पहले 20 स्टॉक को आप छांट लीजिए, फिर उसी स्टॉक में बार बार ट्रेड करिए, तो आपकी ऑब्जर्वेशन काफ़ी कुछ दिन बाद एक सटीक रूप से बैठती जाएगी। जैसे कि मैं करता हूँ ट्रेडिंग ओनली 30 स्टॉक में, 30 स्टॉक मैंने सेलेक्ट करके रख लिए हैं। अब वो किस टाइप के वॉलेटिलिटी वाले हैं, चाहे वो कुछ 50 के ऊपर वॉलेटिलिटी वाले स्टॉक हैं, कुछ 50% के नीचे वाले भी हैं, कुछ 150 वाले भी हैं, तो मैं ज़्यादा टाइम से इन्हीं स्टॉक में ट्रेड करता हूँ, इसलिए मैं इन पर थोड़ा सा जल्दी ऑब्जर्वेशन इनको पकड़ पाता हूँ, इनकी चाल को। आप भी करेंगे तो आपको भी पकड़ में आ जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम दीजिए मार्केट को। ऐसा नहीं कि आज ही आएँ और आज से ही कमाना चालू कर दिया, या आप लोग सोचते हैं कि बस आज आए मार्केट में, अगले 1 महीने से मैं अपने 1 लाख की कैपिटल को 2 लाख कर लूँगा। ऐसा नहीं होता है मार्केट में। अगर ऐसा करेंगे तो आपकी 1 लाख की कैपिटल 50,000 पे आके रुक जाएगी। पहले मार्केट को समझिए, अपने स्टॉक को समझिए कि मेरा स्टॉक कैसा बिहेव करता है मेरे साथ या मार्केट के साथ, मार्केट कैसे चलती है तो मेरा स्टॉक कैसे चलता है, आप किस प्रकार के ट्रेडर हैं। फाइनली मैं बोलना चाहता हूं कि आप जिस प्रकार के ट्रेडर हैं आप उसी प्रकार के स्टॉक को सेलेक्ट कर लीजिए, पहले 15 से 20 स्टॉक सेलेक्ट कर लीजिए और फिर उसी स्टॉक पे अपना जो पेपर ट्रेड है या रियल ट्रेड है उसको करते रहिए। देखिए रियल ट्रेड तो आपको करना ही पड़ेगा, तभी आपका ऑब्जर्वेशन सही होगा। भले आप एक ही क्वांटिटी में करो, चाहे वो इंट्राडे करते हो तो भी
और स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो भी, ट्रेडिंग आप जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगा मार्केट की, मार्केट कैसे चलती है। भले एक स्टॉक में करो या बैंक निफ्टी का भी आप ट्रेड करते हो तो एक लॉट में करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्रेड करना ज़रूरी है आपके लिए, तभी आप मार्केट को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। पेपर ट्रेड से बहुत कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं फिर से एक बार आप लोग को बता देता हूँ कि कैसे भी किसी भी स्टॉक की वोलेटिलिटी को हम पता करें। तो यहाँ पर देखिए NSE इंडिया की वेबसाइट पर मैंने खोला है और यहाँ सर्च बार आता है। अब येलो कलर की लाइन पे आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर इक्विटी लिखा है, इक्विटी को सेलेक्ट करिए। यहाँ पर इक्विटी डेरिवेटिव आता है नीचे ऑप्शन, इक्विटी डेरिवेटिव पे हमें सेलेक्ट करना है। अब स्टॉक का नाम हमें डालना है, जैसे चलिए मैं ये कोई भी स्टॉक डाल देता हूँ, जस्ट डायल को डाल देता हूँ। चलिए जस्ट डायल, ये देखिए मेरा जस्ट डायल का स्टॉक मैंने खोल लिया NSE की इंडिया की वेबसाइट पर। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसकी वोलेटिलिटी क्या है, फिर से बताना पड़ेगा ना मुझे। यहाँ पर देखिए 611 रुपये का स्टॉक चल रहा है, अभी क्लोजिंग हुई 611 रुपये और 7.65% डाउन पे क्लोजिंग हुई है। अब इसका यहाँ पर नीचे आइए, यहाँ कॉस्ट एंड ऑफ कैरी दिख रहा है और नीचे एक दिख रहा है ऑप्शन अदर इन्फॉर्मेशन। अदर इन्फॉर्मेशन पर हम क्लिक करेंगे तो तीसरा वाला ऑप्शन देखिए, सेटलमेंट प्राइस आता है और डेली वोलेटिलिटी आता है और एनुअलाइज्ड वोलेटिलिटी आता है। तो यहाँ पर जो तीसरे नंबर का ऑप्शन है एनुअलाइज्ड वोलेटिलिटी, इस पर हम क्लिक करेंगे और हमें जो सामने आएगा हमारा ऑप्शन 55%, तो ये हमारा स्टॉक जो 55% का है इसकी वोलेटिलिटी है स्टॉक की। मतलब कि अभी 600 रुपये का स्टॉक चल रहा है, तो अगर इसमें 55% ऐड करेंगे, मान लीजिए 300 रुपये के अराउंड होता है, तो ये 900 रुपये और नीचे 300 रुपये, तीन जो इसका अभी 600 रुपये का चल रहा है और इसकी वोलेटिलिटी का परसेंटेज है 50%, तो 600 रुपये का 50% होता है 900 रुपये, उसमें 300 रुपये लगभग ऐड करेंगे हम तो 900 रुपये ऊपर और नीचे की तरफ करेंगे तो 300 रुपये आएगा। मतलब कि ये स्टॉक पिछले एक साल में इसी रेंज में घूमता हुआ आ रहा है। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, मैं नहीं कह रहा हूँ कि 900 रुपये ये गया था या 300 रुपये गया था, इसके बीच में ये घूमता हुआ आ रहा है। ये इसका जो पास्ट का हिस्ट्री है उसके बारे में बता रहा हूँ, मैं पिछले एक साल की ही बात नहीं कर रहा हूँ, पिछले काफ़ी सालों की मैं बात कर रहा हूँ। उस बात को समझिए, मेरी बात को समझने की कोशिश करिए, ताकि मैं चाहता हूँ कि मेरी बात को क्लियर समझें और तभी आप उसको फॉलो करें। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और कुछ नॉलेज आया होगा इस वीडियो से आपको। ठीक है दोस्तों, तो नॉलेज को शेयर करिए दूसरों के साथ भी, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करिए, ताकि वो लोग भी इस नॉलेज को ग्रहण कर सकें। ठीक है दोस्तों, ग्रहण मतलब बहुत शुद्ध हिंदी मैंने बोल दिया। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, आप भी अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक के थ्रू अगर आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं, किसी बैंक निफ्टी ऑप्शन सेलिंग की कॉल देता हूं आपको डेली फ्री में, उसके कोई भी चार्जेस नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।